उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों के 17 दिनों के संघर्ष के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग में फंसे मजदूर अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे। उन्हीं में से एक मजदूर का नाम सोनू था, जो कि बिहार के छपरा जिले का रहने वाला था। सोनू की मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और बचाव कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मियों को तहे दिल से शुक्रिया बोला है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनका बेटा 2 दिन बाद गांव वापस लौट आएगा। सोनी की मां ने बताया, सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा, सरकार को धन्यवाद, मेरे बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। सुरंग से बाहर निकले मजदूर सोनू की मां ने आगे उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जो लगातार 17 दिनों से सोनू समेत बाकी के मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे। सोनू की मां है, आपका बेटा 17 दिन बाद तीनों से निकल गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे, जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारगरियों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे बाबू से बात हुई। कितने घंटे पहले बात हुई थी? 1 घंटा पहले बात हुई। क्या कह रहे थे वो आपसे? वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। कब तक आने की बात कही उन्होंने? 2 दिन के बाद बोला कि मैं आ जाऊँगा। गाँव आ रहे 2 दिन बाद? हाँ। बता दें कि सुरंग से निकाले जाने के बाद सभी मजदूरों को चिन्याली स्टोर में बनाए गए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मजदूर 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। इसी के बाद उन्हें उनके परिजनों से मिलने भेजा जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि अस्पताल में मजदूरों का इलाज और उनके घर जाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पताल में इलाज का खर्चा भी उत्तराखंड सरकार उठाएगी, साथ ही साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था का खर्च भी सरकार के ही जिम्मे होगा और उन्हें घर पहुंचाने का भी।